एमएचआरडी बोला फुल कोर्स जो अपना पहले था उसी से आएगा, पहले वाले से आएगा, लेकिन क्वेश्चन जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके इस बार इंक्रीज हो जाएंगे। जो बच्चों 180 आते थे उसकी बजाय इस बार क्वेश्चन हो सकता है 225 और 200 आ जाएं। हेलो बच्चों, माई सेल्फ राहुल राठी, एक्स फैकल्टी एल एन कोटा। बच्चों, मैं आपको आज नीट के बारे में कुछ बात करेंगे। 2021 में क्या एग्जाम डेट होगी, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, सिलेबस कौन सा आएगा एग्जाम में, और किस मोड में आपका कंडक्ट हो सकता है एग्जाम, या एक बार होगा या मेन टाइम्स होगा। देखो बच्चों, पहला अपने पास माइंड में क्वेश्चन ये है, क्या होगा नीट 2021 का सिलेबस। सिलेबस के लिए अभी अपने पास डाउट है कि जो रिड्यूस्ड वाला कोर्स है, 30% लेस वाला, उससे एग्जाम आएगा या पूरे कोर्स आएगा। बच्चों, जहां तक एमएचआरडी का सवाल है, एमएचआरडी ने ऐसा बोला, अभी एमएचआरडी बोला फुल कोर्स जो अपना पहले था उसी से आएगा, पहले वाले से आएगा, लेकिन क्वेश्चन जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके इस बार इंक्रीज हो जाएंगे। जो बच्चों 180 आते थे उसकी बजाय इस बार क्वेश्चन हो सकता है 225 और 200 आ जाएं। आपको करना अटेम्प्ट 180 ही है, नंबर ऑफ क्वेश्चन वहां ज्यादा हो जाएंगे। आपका एक क्वेश्चन यहाँ क्लियर होता कि कोर्स जो रहेगा पूरे वाला रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होने के कारण आपको ऑप्शन मिल जाएगा, कुछ कोर्स उसको आप छोड़ सकते हो, आपकी चॉइस के कारण आप छोड़ सकते हो, अदरवाइज पूरे कोर्स से ही पेपर बनेगा। आगे देखो बेटा, नीट 2021 आपका वन टाइम होगा कि टू टाइम होगा, अब ये बड़ा डाउट चला हुआ आपके मन में, एग्जाम एक बार होगा कि दो बार होगा। बच्चों, अभी तक ऐसा कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है, अब आपका एग्जाम एक बार ही होना चाहिए, अभी दो बार कंडक्ट कराने का टाइम नहीं है। पहली बात ये हुई, आपका फुल कोर्स से होगा, आपका वन टाइम एग्जाम होगा अकॉर्डिंग टू मी। बच्चों, फिर आप अगर क्वेश्चन नहीं आ सकता कि सर जैसे जेई मेन का आपका पोर्शन है, जैसे जेई मेन का आपका पेपर हुआ है, ऐसे ही आपका नीट 2021 का ऑनलाइन हो सकता है क्या, मोड आपका चेंज हो सकता है क्या। बच्चों, अब तक मोड चेंज होने वाली कोई संभावना नहीं है, इस बार के लिए फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता मोड चेंज होगा। अब भी आपका जैसे पहले कंडक्ट हुआ ऐसे ही ऑफलाइन ही चलेगा, अभी ऑनलाइन मोड का मुझे संभावना कम नजर आती है। बच्चों, अब अगला आपका डाउट ये आ जाएगा, सर एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा और कब एग्जाम होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म की जो बच्चों एक्सपेक्टेड डेट है, मेरे हिसाब से आप अब बात करते हैं जनवरी में, तो जनवरी एंड तक या फरवरी के फर्स्ट वीक में एप्लीकेशन फॉर्म आपका आ जाएगा, उसके साथ आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम एक्सपेक्टेड डेट, एग्जाम कब होगा, कि अगली पिछली बार की तरह सर ऐसे एग्जाम एक्सटेंड तो नहीं होता रहेगा, 3-4 महीने आगे जाएगा। तो पहली बात तो बच्चों, मई में जो एग्जाम होता था मई में इस बार नहीं हो सकता है, अपना सेशन थोड़ा सा एक्सटेंड हो चुका है। तो एक्सपेक्टेड जो बेटा वो थर्ड वीक ऑफ जून मिनिमम है, थर्ड वीक ऑफ जून में आपका मिनिमम जो है एग्जाम होने की संभावना है, उसके बाद जुलाई तक भी जाएगा तो फर्स्ट वीक तक हो जाएगा। तो आपको जो प्लानिंग करनी है थर्ड वीक ऑफ आपका जून तक करना है, उसके बाद बच्चों आप एक्सटेंड ही नहीं होगा तो उसको आप कंटिन्यू करते रहेंगे तैयारी को, वो आपका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। बच्चों, इसके साथ मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, हमने एक इंस्टीट्यूट शुरू किया अभी मैंने, नीट 24/7। बच्चों, कोटा में से क्लासरूम कोर्स शुरू करेंगे, क्रैश कोर्स है बच्चों आपका, ये आपका 25 से जैन से आपका जो है बैच है, 25 जैन से इसका बैच है पहला। उसके बाद बेटा आपका फर्स्ट फेब से भी है स्पार्क कोर्स है, 75 डेज आपको कोर्स करा देंगे पूरा। उसका फीस स्ट्रक्चर भी बहुत नॉमिनल है, आप ऑफिस में आके मिलेंगे, ज्ञानोदय टावर में अपना ऑफिस है लैंडमार्क सिटी में। बच्चों, जो आगे आपको मैं मेन बता रहा हूँ अपने लिए बहुत जरूरी है बेटा, अभी अपने पास टाइम है तो अपनी टेस्टिंग बहुत जरूरी है। अब टेस्ट देंगे उसी के हिसाब से प्रिपरेशन आपकी कंटिन्यू होगी, अब तक आप पढ़ चुके होंगे तो टेस्टिंग कैसे किया जाएगा। तो बच्चों, आप एक ऐप अपने पास नीट 247 ऐप आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ हमने टेस्ट सीरीज बनाई है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में अपने को सबसे बड़ी दिक्कत आती टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करने की, कि टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाए, तो हमने टॉपिक वाइज टेस्ट बनाए हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट में बच्चों आप देखोगे तो अपने पास लगभग लगभग हर चैप्टर से एक है, 28 आपके जो टेस्ट है टॉपिक वाइज हैं। उसी कोर्स में बेटा आपको 13 जो है सेमी मेजर मिलेंगे, ये आपका सेमी मेजर है, सेमी मेजर बोले तो बच्चों दो दो तीन तीन चैप्टर का मिलकर एक एक टेस्ट है। उसके बाद बच्चों 5 जो है फुल कोर्स टेस्ट आपके, तो टोटल मिला के 46 आपके टेस्ट आपको देना है। बच्चों, ये शेड्यूल्ड आपका फर्स्ट फेब से आपकी ये टेस्ट सीरीज शुरू होगी, और ये मैंने प्लान किया बेटा आपको 13 जून तक का, ताकि आप कंटिन्यू जून तक आपका टेस्टिंग देते रहेंगे, तो आपका डेट है शेड्यूल है सब वहाँ लिखा हुआ है। बच्चों, बहुत नॉमिनल सी कॉस्ट है इसकी, सिर्फ 2000 रुपीज में कोर्स हमने लॉन्च किया है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के साथ एक बड़ा बेनिफिट आपको दिया है, जो बच्चों आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था, कि यदि अब तक पढ़ाई नहीं किया फिर क्या किया जाए। सर, यदि आप अब तक बिल्कुल भी नहीं पढ़े तब भी एक क्रैश कोर्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, वो फर्स्ट फेब से बच्चों जो कोटा क्लासरूम में आपका मैं कोर्स कराऊंगा, वही कोर्स आपको सेम ऐप पे पब्लिश करेंगे,
जो बच्चा टेस्ट सीरीज अपनी परचेज करेगा उसको ये वाला जो है क्रैश कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। वही सेम क्रैश कोर्स 75 डेज वाला आपकी ऐप पे आएगा। अब पूरे क्रैश कोर्स को अच्छे से साथ साथ फॉलो करोगे, साथ में टेस्ट सीरीज को फॉलो करोगे, तो बच्चों मेरे हिसाब से मिनिमम आप 150 प्लस स्कोर कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन होना बहुत श्योर शॉर्ट सा हो जाएगा। दो दिन बाद आपको पता चली, एक बच्चों मैंने एक नया वेंचर लॉन्च किया बेटा NEET 247, ये आप ऐप डाउनलोड करना या टेस्ट सीरीज आप परचेज करेंगे, उसके साथ आपका क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोनों ही चीजें बहुत अच्छी है, पूरा कोर्स मैं ही कराऊंगा बच्चों, कंप्लीट फिजिक्स में कवर होगी, अच्छे से होगी, दौड़ते दौड़ते नहीं होगी, आराम से मेजर टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दिया, हल्के टॉपिक को थोड़ा सा जल्दी किया, आपका पूरा कोर्स अच्छे से होगा, जीरो टू हीरो वाला कहानी है। सेम बच्चों आपको एप्लीकेशन फॉर्म वाला मैंने कंसेप्ट क्लियर किया है, आप बच्चों इस ऐप को डाउनलोड करें, साथ में अपना फेसबुक पेज है बेटा NEET 247, उसको आप फॉलो करें, फिर आपको मैं मोटिवेशन वीडियो के साथ क्रैश कोर्स के साथ आपको बार बार मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय बाय।